रिको कर्मचारी संघ व भारतीय मजदूर संघ का 12वें दिन भी जिला मुख्यालय के बाहर धरना जारी। मजदूर संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर किया सद्बुद्धि यज्ञ। पिछले 8 महीनों से रिको प्रशासन द्वारा 105 कर्मचारियों को बाहर निकालने का मामला सामने आया है। मांगे जब तक नहीं मान ली जाती, धरना ऐसे ही जारी रहेगा। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर रिको जल परिशोधन संयंत्र कर्मचारी संघ पाली एवं भारतीय मजदूर संघ पिछले 8 महीनों से रिको प्रशासन के साथ अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी मांग पूरी नहीं होने के चलते जिला मुख्यालय के बाहर 12 दिनों से धरने पर हैं। इसी के चलते आज कर्मचारी संघ ने धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन प्रशासन को बुद्धि देने और 105 कर्मचारियों को जो कार्य मुक्त किए गए उन्हें वापस काम पर लिए जाए, यह बुद्धि उनके दिमाग में आए उसी के चलते यह यज्ञ किया गया। आने वाले दिनों में हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन उग्र भी हो सकता है। ये आज जिला प्रशासन के खिलाफ आपने सद्बुद्धि यज्ञ किया, क्या कारण है और क्यों कर रहे हो ये सद्बुद्धि यज्ञ? हमने आज हम धरने पर हमको बैठे हुए 12 दिन हो गए हैं। रिको जल परिशोधन संघ कर्मचारी है और हमको CDP प्रशासन में कोरोना काल की आड़ में षड्यंत्र पूर्वक 105 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि आज 7.5-8 माह होने को आए, इन्होंने हमको अभी तक बहाल नहीं किया। उनकी सद्बुद्धि देने के लिए हमारे संघ द्वारा ये 12 दिन से धरना चलाया जा रहा है और उसके अंदर आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है ताकि ईश्वर इनको सद्बुद्धि देवे और ये 105 कर्मचारियों को वापस रोजगार पर बहाल करवावे।